जिस तरह से अभी BSNL 4G लॉन्च के बारे में न्यूज मिल रहा है, लग रहा है कि हाँ जून 2024 के लास्ट तक BSNL काफी हद तक पूरे इंडिया पे अपना 4G लॉन्च कर ही देगा। क्योंकि दोस्तों पिछले 2 साल की अगर मैं बात करता हूँ, 2022 एंड 2023, इन 2 सालों में उतना काम हुआ ही नहीं। काम शुरू होगा शुरू होगा शुरू होगा ऐसे करते करते 2 साल बीत ही गए। 2 साल, हाँ मान ही चल सकते कि 2 साल ही है, क्योंकि 2023 के एकदम लास्ट 2 महीने पहले से ही इसका जो काम है ये शुरू हो चुका है। दिवाली 2023 के बाद से ही BSNL ने अपना 4G लॉन्च का काम शुरू किया है, और जनवरी 2024 से BSNL अपना काम में थोड़ा फोकस किया है, थोड़ा स्पीड बढ़ाया है। ठीक है, तो अभी जो लोग BSNL 4G लॉन्च का इंतजार कर रहे हैं, जो लोग BSNL को पसंद कर रहे हैं, जो लोग BSNL का न्यूज सुनने को चाहते हैं, देखने चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो वो लोगों को पता चल रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपको YouTube चैनल मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसे आपको Google में या इधर उधर से खबर न्यूज जो है वो मिल ही जाएगा कि BSNL का जो 4G है यहाँ पर लॉन्च हुआ, वहां पर लॉन्च हुआ, इस तरह का न्यूज आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि BSNL का जो 4G है ये लॉन्च हो रहा है तो ऑफिशियल अपडेट क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने इसके बारे में एक बार आपको बताया था कि हो सकता है कि ऑफिशियल अपडेट इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि BSNL बहुत लेट कर दिया अपना 4G लॉन्च करने में। इसीलिए हो सकता है कि अभी 60-70% या ऑलमोस्ट 80% एरिया पे लॉन्च कर दे, उसके बाद ही ऑफिशियल अपडेट करें, ऑफिशियल कुछ अनाउंसमेंट करें, हो सकता है। ठीक है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि 2-4 जगह में लॉन्च करके उसका मतलब एक छोटा सा काम करके बड़ा एक अनाउंसमेंट ये लोग उतना हजम नहीं करेंगे, इसीलिए हो सकता है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसीलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी कुछ कुछ लोग मुझे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि उतना ज्यादा तो न्यूज हम लोगों को नहीं मिल रहा है देखने को। देखिए दोस्तों, आपको एक पता चल मतलब एक बात बताता हूँ, आपको ये पता होगा कि इंडिया पे, या अगर आप पूरे कंट्री का ले लेते हो, या इन पूरे कंट्री का या इंडिया का भी छोड़ दो, अगर आप आपका शहर का, सिर्फ आप जिस शहर पे या जिस विलेज में बिलोंग करते हो उस विलेज का सब न्यूज आपके पास आ जाता है, नहीं आता है। जिस न्यूज को सुनने के लिए आप बेकार होते हो, जो न्यूज आपको पसंद आता है, जो आप सुनना चाहते हो, वही आपको सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग मतलब यही सिर्फ मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, या वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि आप ही सिर्फ बता रहे हो, दूसरा कोई बता नहीं रहे। ठीक है, मैंने उन सभी को पूछा कि आप कितने सारे यूट्यूब को देखते हो, या आप गूगल में सर्च क्यों करते हो, या क्या करते हो नहीं करते हो, तो वो उतना बताया नहीं। ठीक है, तो मुझे जो लग रहा है कि देखिए आपका ये गलतफहमी है कि मेरे चैनल पे ही सिर्फ ये अपडेट मिल रहा है। बहुत सारे चैनल पे अपडेट मिल जाता है, लेकिन हाँ मेरे चैनल पे, उनके चैनल पे अगर एक छोटा सा न्यूज मिलता है तो मेरे चैनल पे 10 न्यूज मिलता है, क्योंकि मेरे ये चैनल जो है अभी मैं BSNL का ही वीडियोस बना रहा हूँ। बहुत सारे लोग BSNL को देखना पसंद कर रहे हैं, BSNL को सुनना पसंद कर रहे हैं, BSNL का 4G 5G एम्प्लॉयज, BSNL का थर्ड PRC, BSNL के बारे में हर एक अपडेट जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, इसलिए मेरे चैनल पे ज्यादा न्यूज आपको देखने को मिलता है। और अभी मेरा जो सोर्स है वो थोड़ा ज्यादा पूरे इंडिया पे फैल चुका है, तो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग शहर से BSNL का जो एम्प्लॉयज है, जो अधिकारी है, बहुत सारे लोग जो BSNL को पसंद करते हैं, उन लोगों से बहुत सारे न्यूज जो है इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे सोर्स है जहाँ से न्यूज इकट्ठा होता है, उनके पास शायद उतना नहीं आता होगा इसलिए वो बता नहीं पाते हैं, लेकिन मैं जो बताता हूँ वहां पर लॉन्च होता है BSNL, इसलिए मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फोकट में ऐसे ही बता दिया और लोग आके कमेंट करके, तो अगर मैं बता देता ना, लोग आके कमेंट करते कि नहीं यहाँ पे नहीं हुआ है, आप क्यों बता रहे हो। ठीक है, ऐसा कोई कमेंट होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो अभी दोस्तों मैं और एक एरिया के बारे में बताऊंगा जहां पर BSNL ने अपना 4G लॉन्च किया है, वो है दोस्तों बिहार के सुल्तानगंज। ठीक है, अभी सुल्तानगंज से 2-4 कमेंट मिला जहां पर मुझे ये पता चला कि बिहार के सुल्तानगंज से 4G लॉन्च हुआ है। उसके बारे में मैंने जब जांच पड़ताल किया इंस्टाग्राम पे, बिहार के बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने पूछा। ठीक है, तो अभी उन्होंने कहा कि सुल्तानगंज में सिर्फ काम शुरू हो चुका है, कुछ कुछ जगह, सुल्तानगंज भी पूरा नहीं हुआ, कुछ कुछ जगह है जहां पर एकदम 4G पकड़ रहा है, बढ़िया स्पीड मिल रहा है, लेकिन सुल्तानगंज का भी ऐसा ऐसा छोटा छोटा जगह है जहां पर कभी कभी 4G+ आता है, कभी कभी गायब हो जाता है। ठीक है, मतलब आप मान के चल सकते कि यहाँ पर काम चल रहा है और कुछ कुछ जगह पे लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि इस महीने के अंत तक, मतलब 10-15 दिन के अंदर, पूरा सुल्तानगंज जो है BSNL 4G से कवर हो जाए। ठीक है, और एक चीज ये भी हो सकता है कि सुल्तानगंज के आसपास किसी जगह पे 4G टावर लगाया गया है, 4G एंटेना लगाया गया है, तो वहां पर नेटवर्क जो है पकड़ रहा है, किसी किसी लोगों को पकड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बताया गया था कि एक 4G BSNL का 4G एक टावर से टोटल 3 गांव को कवर किया जाएगा। ठीक है, अभी 2 गांव एकदम बढ़िया तरीके से स्पीड मिलेगा, और तीसरा वाला जो गांव होगा, जो तीसरा वाला नंबर पे आएगा, थोड़ा दूर होगा, तो उसमें थोड़ा
थोड़ा स्पीड कम होगा, कभी कभार 4G पकड़ सकता है, कभी कभार नहीं पकड़ सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है कि एवरेज 3 विलेज को कवर करेगा एक BSNL 4G टावर, जिसमें से 2 गांव एकदम मस्त चलेगा और 3 नंबर जो गांव है यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसको भी बाद में जब 5G अपग्रेडेशन होगा तो इसको भी ठीक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सुल्तानगंज के बिहार बिहार के सुल्तानगंज से बहुत सारे कमेंट आ रहा था, यहाँ पर बताया जा रहा है कि BSNL का जो 4G है वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो आप अगर सुल्तानगंज से बिलोंग करते हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपके यहाँ पे स्पीड कैसा मिल रहा है। ठीक है, और इस तरह का BSNL रिलेटेड न्यूज सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।